अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। तंजीमिन मुसलमान फंड एसोसिएशन के माजी सदर सादिक पालान बोल रहे, बड़े मेहरबानी। कोरोना के तरफ से पूरी दुनिया में लॉकडाउन हुआ है, हमारे भी हिंदुस्तान में लॉकडाउन हुआ है और देश को भी खतरा है, हर अफराद को भी खतरा है। बड़े मेहरबानी, घर से ना निकलिए। जो रमजान मुबारक महीने में जो हमारे इबादतगाह, हमारे मस्जिदा, हमारे दरगाहों को, फातिहा खाने को भी जाने नहीं हो रहा और मस्जिदा में भी कसीर तादाद में शरीयत के हिसाब से और मजहब के हिसाब से खंदे को खंदा लगा को हमें नमाज पढ़ना, वो भी हमने इजाजत नहीं दी गई हुकूमत से। कौन से उम्मीद से हमें नहीं ईद मनाना, कपड़े खरीदना, घर में किसी के सुख है और दुख है, दुख को लेकर साथ रहते हुआ हमें भी दुख बांटले को क्वारंटाइन में हमारे भी लोग, हर मजहब वाले भी है, उनका भी ख्याल करते हुआ हमें डिस्ट्रिक्ट में, क्या पूरे हिंदुस्तान में हो, हमारे स्टेट में हो, हमारे माँ बहना से, मैं हमारे दोस्त अहबाब से, नौजवानों से मैं इंती करता हूँ, बड़े मेहरबानी। जहाँ कपड़े की दुकान को, चप्पल के दुकान को, बंगड़े के, स्टेशनरी के जाते हैं, जो व्हाट्सएप में देखकर मस्जिदों में अनाउंसमेंट होते हुआ भी देखकर जाते हैं, वो इलम नहीं रख सकते समझता हूँ मैं, बड़े मेहरबानी। और इत्मीनान से गाली गलौज नहीं सका उनको, किस तरीके से समझाना, समझाकर बोलकर उनको अपने घरों को आपस भेजना, किसी शोर शराबा नहीं करना, कपड़े खरीदने शोर को मालूम नहीं सका, बीबी बच्चे जाएंगे, बीबी बच्चों को मालूम नहीं सका, बाजार से शोर ले ले आएगा, तो हने ले ले आने के बावजूद भी वो ईद के दिन कपड़े ना पहने हैं। अगर से पहने तो बाजार में अगर से किसे मिलने आए तो कोई नौजवान देखकर अगर से फाड़ा तो कोई हने दर्द भी नहीं महसूस होना, और कपड़े कौन भी खरीदारी को नहीं जाना, और पीछे के दरवाजे से भी देरी कर बोल को इतना हमना मालूम है। बड़े मेहरबानी, कपड़े बिकाने वाले को भी मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, ये दर्द का माहौल है, दुख का माहौल है, बड़े मेहरबानी। पीछे से वो फोन के दरिये से वो शटर खींच को, वो शटर उठा को हो, ये जमात के तरफ से फैसला लिया गया है, इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है उस तरीके से चलती कर बोल को मेरे पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे शहर में, मेरे माँ बाना से, मेरे दोस्त अहबाब से, नौजवानों से मेरी इनती है, बड़े मेहरबानी इस चीज से हनी रुकिए, रोक कर हनी लॉकडाउन जैसा हनी हुकूमत वालों ने किया है, डिपार्टमेंट वालों ने, उसे पालन करिए, उसे हनी हल्का हल्के को मत लीजिए, एक दूसरे को आने वाली चीज डिपार्टमेंट ही खुद बोल रही, डॉक्टर बोल रही, और हमारे शहर में 2-3 कोरोना से दुनिया से वफात हो चुके हैं, वो कब्रिस्तान के इर्द गिर्द कब्रिस्तान के जगह में उनको मखफून किया गया है, कहीं भी बाहर नहीं मखफून किया गया है। जमात के थ्रू हमारे जाली नगर के आपकी सेक्रेटरी रियाज अहमद मुनीर हजरत और सेकंड स्टेट के मदरसे मस्जिद के जिम्मेदारान जाकर जो हमारे शरीयत के हिसाब से जितने दूर डिपार्टमेंट वाले डॉक्टर बोलते होते दूर से नमाज पढ़ते हुआ उनको बाखौदा किबले की तरफ मुंह करको, जिधर सिर करना था सिर करा को, जिधर पांव करना था पांव करा को, मखफून करे हमें जमात की तरफ से, बड़े मेहरबानी। वो हालत को ले लगाने को इंशाअल्लाह ताला रमजान के बाद में जितने भी मस्जिद के जिम्मेदारान है, गांव के जिम्मेदारान है, तंजीम के जिम्मेदारान है, इंशाअल्लाह ताला डिपार्टमेंट से बैठकर हमारे गांव के डिस्ट्रिक्ट के हालत के ऊपर हमें इंशाअल्लाह ताला गौर फिक्र करेंगे और पूरी तरह से भी जाकर डिपार्टमेंट से है बातचीत कर हमें गांव को है अच्छा करने की और अच्छा मशवरे के तहत हमें इंशाअल्लाह ताला जो भी मशवरा करके निकलेंगे अल्लाह उसे अल्लाह के रसूल साथ देंगे और हमने है बढ़ाएंगे की दुआ है इंशाअल्लाह ताला। ईद इत्मीनान से जैसा आप घरों में नमाज पढ़ रहे हैं घरों में पढ़ लो और हमने मस्जिदों में भी पढ़ने दे रहे हैं, 5-4 आदमी के सिवा
और कब्रिस्तानों में भी हम ना जाने दे नहीं देते, नमाज पढ़ने नहीं देते, वो नजरअंदाज करते हुआ हमें अन्य कपड़े को कहां भी खरीदारी को नहीं जाएंगे, चाहे हरियाल को हो, राणिंद दुर्ग हो, चाहे चित्तौर दुर्ग हो, कहां कहां खुला है, कोई गोलियां के दबे के जरिए से, चीटे के जरिए से जागो, कपड़े लाको घर में रखना, वैसा अगर से रखने का रहा तो तुम अति शोक रहित हो और मौत का सामान तैयार कर लेगो, मौत का कपड़ा रख लेगो, तुम्हें है नहीं रमजान गुजारना करके कहने की मैं बात करता हूँ। मेरे तरफ से मैं अब तला का जो कुछ भी बोला हूँ इंशाल्लाह तला एक दर्द की कहानी, दर्द भरी कहानी को से मैं सुना रहा हूँ दावणगेरे के मुसलमानों को, मेरे माँ बहनों को, नौजवानों को इतला दे रहा हूँ। मेरी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।